उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते कुछ समय से बिन मौसम बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिन और बारिश का मौसम बना रहेगा, क्योंकि अभी तक देश के कई हिस्सों से मॉनसून की विदाई नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थितियां दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की विदाई को लेकर अनुकूल बनने लगी हैं। 15 से 17 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड से मॉनसून की वापसी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश की मुख्य वजह आंधी तूफान बताया जा रहा है। भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद से बारिश का दौर थम सकता है। और वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु में और अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक के कुछ हिस्सों और रायलसीमा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में बीते कुछ दिनों से हुई भारी बारिश की वजह से फिलहाल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सुबह सुबह लोगों ने सर्दी का एहसास किया। वहीं दिल्ली NCR और UP के कई इलाकों में गुरुवार सुबह कोहरा भी देखा गया। हालांकि बिहार में आज भी मौसम बारिश वाला बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।